इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल। तो पिछले मॉडल्स में हम लोगों ने देखा था वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, इटरेटिव एनहांसमेंट। अब इसमें हम लोग स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल एज वेल एज प्रोटोटाइप मॉडल। तो जो कॉम्बिनेशन होगा ऑफ क्लासिकल मॉडल प्लस प्रोटोटाइप मॉडल, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्पाइरल मॉडल बनता है। इनके दोनों के फीचर मिला दें तो स्पाइरल मॉडल में हो। तो क्लासिकल मॉडल मतलब कि रिक्वायरमेंट कह लीजिए कि इनिशियली हमें जो भी रिक्वायरमेंट पता है उसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं उससे। और जो प्रोटोटाइप मॉडल है, इन केस में हमें रिक्वायरमेंट पूरी तरह से ना पता हो, मीन्स न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, क्लासिकल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल के लिए मिला के हम लोग इसको स्पाइरल मॉडल को बनाते हैं। और जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट मीन्स हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए ये काम करता है स्पाइरल मॉडल। जहाँ पर उस तरह के प्रोजेक्ट को हम लोग लेकर चलते हैं जिसमें रिस्क की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे हाई रिस्क के केस में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से स्पाइरल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जस्ट लाइक जो इसका स्ट्रक्चर है, शेप है, वो जस्ट लाइक स्पाइरल की तरह काम कर रहा है। तो स्पाइरल में इसमें चार क्वाड्रेंट होंगे, तो देख सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, हर एक फेस में वो बताता है कि किसमें क्या। देखिए इस क्वाड्रेंट में हम लोगों ने जैसा कि बात किया कि स्पाइरल मॉडल में इसमें इस वाले फेस में जो क्वाड्रेंट है इसमें हम लोग देखते हैं रिस्क को एनालिसिस करते हैं हर एक फेस में। यहाँ से जैसे जैसे डेवलपमेंट हम लोग बढ़ते चले जाएंगे देखते हैं कि हर फेस में हम लोग रिस्क को यहाँ पर चेक करते रहते हैं। तो अब इसमें देख सकते हैं कि पहला क्वाड्रेंट क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा, तीसरा और चौथा। और उसके पहले ये देख लेते हैं कि दो डायमेंशन, इधर जो क्या होगा रेडियल डायमेंशन, मीन्स रेडियल डायमेंशन हमारा ये इधर से बताएगा क्यूमुलेटिव कॉस्ट कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी समय ये कैलकुलेट करके बता देगा कि इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट लग चुका है। तो रेडियल डायमेंशन बताता है क्यूमुलेटिव कॉस्ट को। और दूसरा जो एंगुलर, ये एंगुलर होगा डायमेंशन, ये हम लोग का बताएगा प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस हुआ, कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ, ये दोनों डायमेंशन का हो गया। अब उसके बाद जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ये बताता है डिटरमिन ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट का आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके ऑब्जेक्टिव का अल्टरनेटिव हम लोग निकाल लेते हैं कि उसका क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, और कॉन्स्टेंट हम लोग पता कर लेते हैं। फिर जो दूसरा क्वाड्रेंट है इसमें हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इस अल्टरनेटिव जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव्स के कि कैसे कैसे ये काम करता है। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, और रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कैसे दूर करेंगे, हाउ वी विल रिमूव द रिस्क, या उसे कहेंगे रिजॉल्व द रिस्क, कैसे रिस्क को रिजॉल्व करते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग इस फेस में देखेंगे डेवलपमेंट। तो आपका डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का, उसको हम लोग यहाँ करते हैं, तो डेवलप करते हैं और वेरीफाई, डेवलप वेरीफाई नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट के लिए यहाँ पर प्लान करके आगे भेज देते हैं, इट मीन्स इस क्वाड्रेंट में हम लोग डेवलप करते हैं और उसे वेरीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट की क्या है। अब इसके बाद इस फेस में हम लोग चेक करते हैं, प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट फेस के लिए कि अगले फेस में यहाँ पर है तो नेक्स्ट फेस में फिर आगे, तो इस तरह से हम लोग प्लान कर लेते हैं। तो ये चारों क्वाड्रेंट का किस तरह से काम है। अब उसके बाद हम लोग का यहाँ प्रोग्रेस स्टार्ट होता है। तो ये स्पाइरल मॉडल को रिस्क ड्रिवन मॉडल भी कह सकते हैं कि हर एक फेस में यहाँ पर रिस्क को डिराइव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, पहले रिस्क जो इनिशियल कॉन्सेप्ट होगा
उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेशन, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लान साइकिल। तो रिक्वायरमेंट का यहाँ प्लानिंग करके फिर रिस्क को एनालाइज करेंगे, प्रोटोटाइप। यहाँ पे हम लोग अब एक चीज देख सकते हैं कि मॉडल सिमुलेशन एंड बेंचमार्क। बेंचमार्क का मॉडल का मतलब है कि कोई भी सॉफ्टवेयर का एक मॉडल हम लोगों ने बना लिया, और बेंचमार्क का मतलब होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम लोग को अचीव करना है। तो एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, दैट इज नोन एज बेंचमार्क। तो अब यहाँ से हम लोग का देखिए इधर कॉन्सेप्ट आया, फिर यहाँ आके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो जैसे कि हम लोग बाकी में देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो रिक्वायरमेंट मतलब कि कस्टमर के नीड को हम लोग गैदर कर लेते हैं कि कस्टमर का क्या नीड है, उसे क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर में क्या क्या बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो जो रिक्वायरमेंट को हम लोगों ने इकट्ठा किया, कस्टमर के या क्लाइंट के नीड को गैदर किया है, हम लोग उसके वैलिडिटी को चेक करेंगे, हम लोग SRS वगैरह बना लेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ प्लानिंग कर लेंगे कि आफ्टर रिक्वायरमेंट ही हम लोग को पता चलेगा कि कब सॉफ्टवेयर को हम डिलीवर करेंगे, टाइम क्या होगा, कितना कॉस्ट होगा, कितने डेवलपर लगाएंगे, कितने एनालिस्ट लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग प्लान कर लेते हैं। अब प्लानिंग के बाद देखिए हर एक फेज के बाद रिस्क को एनालाइज करेंगे, अगर ज़रूरत है तो उसे रिजॉल्व कर लेंगे। फिर प्रोटोटाइप मीन्स सेट ऑफ रूल्स वगैरह जो भी चेक कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर बढ़ने के बाद हम लोग प्रोडक्ट का डिज़ाइन, जो डिज़ाइन एनालिसिस के बाद डिज़ाइन फेस आएगा, और डिज़ाइन फेस में यहाँ पर जो सिस्टम डिज़ाइन होगा, इट मीन्स जो होल प्रोजेक्ट होगा उसको मॉड्यूल वाइज डिवाइड करते हैं। मॉड्यूल वाइज डिवाइड इस तरह से करते हैं कि एक मॉड्यूल के दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी कम से कम हो। तो सिस्टम डिज़ाइन के बाद हम लोग उसके डिज़ाइन को वैलिडिटी और वेरिफिकेशन चेक करना, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की नीड है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं, और वैलिडिटी चेक करते हैं कि नेक्स्ट फेज के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ मतलब इंटीग्रेशन एंड टेस्ट प्लान, मीन्स जो डिज़ाइन है तो उन सबको अलग अलग है तो उसे इंटीग्रेट करके टेस्ट प्लान कर लेते हैं। प्लानिंग करने के बाद फिर से रिस्क को एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करने के बाद फिर देखेंगे कि क्या रिस्क आने की पॉसिबिलिटी है, किस तरह का रिजॉल्व है। जहाँ पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है और उस तरह के प्रोजेक्ट के लिए ये रिस्क को एनालाइज बार बार करता रहता है, फिर ऑपरेशनल प्रोटोटाइप इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे ये रूल्स। तो अब उसके बाद डिटेल सिस्टम डिज़ाइन, यहाँ वैलिडिटी हम लोग चेक कर लिए वी एंड वी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल डिज़ाइन मीन्स हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना। डिटेल हम लोग डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, और डिटेल डिज़ाइन के बाद कोडिंग करेंगे कंप्यूटर पर चलाने के लिए, रन कराने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोडिंग कर लेंगे। और कोडिंग करने के बाद हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करना, यूनिट टेस्ट करेंगे, और यूनिट टेस्ट करने के बाद अगर सब सही है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, मीन्स ऑल द मॉड्यूल्स, सभी मॉड्यूल को हम लोग एक साथ मर्ज करेंगे, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेट करने के बाद सारा मॉड्यूल एज एक सिस्टम की तरह जनरेट होगा, और हम लोग यहाँ टेस्ट कर लेंगे, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। तो अब उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग कर लिया, अब उसके बाद हम लोग यूजर के एंड से यहाँ पर टेस्ट करेंगे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि अब लाइव डेटा या कस्टमर के अवेलेबिलिटी जो उपस्थिति होगी कस्टमर की, उसके साथ हम लोग इसको मिलकर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब कस्टमर के एंड से टेस्ट कर लेंगे, अगर कोई ज़रूरत हो इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंट करके इस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि बाकी मॉडल की अपेक्षा इसमें क्या है कि रिस्क की एनालिसिस हर फेस में आ रहा है, हर कोई काम करने के पहले हम लोग रिस्क को एनालाइज करते हैं, क्योंकि इस मॉडल को हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर रिस्क की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाई रिस्क प्रोजेक्ट में। और कॉम्बिनेशन है आपका क्लासिकल और प्रोटोटाइप, जैसा कि प्रोटोटाइप में जानते हैं कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पता ना हो। तो ये है स्पाइरल मॉडल के बारे में। थैंक यू।